ओके, शुगर स्टॉक्स में किरण आपको क्या अच्छा लगता है ट्रेडर्स के लिए? बलरामपुर चीनी और धामपुर चीनी दोनों ही है, तो हम धामपुर चीनी के बारे में पहले बात करेंगे। धामपुर चीनी में मुझे लगता है, धामपुर शुगर में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कल कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन आया था उसके बाद बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर चला है और आज भी इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी खरीदा किया जाए तो करीबन 212-213 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए और टारगेट्स के लिए 227-228 के टारगेट्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। कुछ काउंटर्स इस समय काफी तेजी से अपनी चाल को सुधार रहे हैं, उसमें देखिए वोल्टा सबसे आगे है, 2.5% का उछाल, 1.5% भागा है काउंटर पिछले आधे घंटे में। लॉयड इलेक्ट्रिक एक और स्टॉक है जो 0.5% का मूव दिखा रहा है पिछले आधे घंटे में, अब ये स्टॉक करीब करीब 4% ऊपर है। बताइए किरण, इन दोनों में से एक अगर ट्रेड इस समय लिया जाए वो कौन सा रहेगा? वोल्टास ही रखना चाहिए, मुझे लगता है कि वोल्टास में जो मूव आई है तो वो बहुत ही अच्छी है और अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो उधर भी एक 14% राइज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो इधर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाना चाहिए। हमारे टारगेट्स करीबन 400-402 के रहेंगे और अभी कोई लॉन्ग करता है तो मेरा स्टॉप लॉस करीबन 375 का रहेगा।